अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ट्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, 100% फिर कैसा देखिए आप, अब एकदम स्टेप पर दे रहे हैं जो ना पूरी एक्सेस को रखना ना साहब, वो तो क्लियर करना ना, उससे उसके बाद ये बंद करना था। अब उसको तो क्लियर कराओ कम से कम, नहीं हटा इंक्रूटमेंट, नहीं हटा। आप चल के देखेंगे वहाँ, आप यहाँ से वहाँ चल के देखेंगे अपन, ये पूरा आपके अंडर में हो रहा है उधर का जो काम चल रहा है वो मेरा है सर, वो भी आप कैसे, ये भी आप कैसे सर, इन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना ना सर, विदिन द डिपार्टमेंट। अब आप प्रोजेक्ट के उन मेंटेनेंस के इन प्रोजेक्ट वाले हैं वो मेंटेनेंस, नहीं वो भी प्रोजेक्ट का चल रहा है। उधर के चौरस्ते के ऊपर समझो आप ये करने से ये तारीख का बना होता है सोशल मीडिया के तारीख ये पर हमें इधर से इधर। अब यहाँ तक रास्ता यहाँ से बंद है समझो, अब यहाँ पर से जो भी आना चाह रहे ना जो ना इंजीनियरिंग वाले जो मेंटेनेंस वाले वो काम करें गीजर से लेके जाके, और जो रोडों के ऊपर काम नहीं करने का था रेलवे ट्रैक तक पूरा खोद के जो है डाल दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, जो है स्टॉप वाटर ड्रेन चल रहा, अभी ना काम खत्म हुआ फोन पे ना ड्रेन का काम खत्म हुआ आपको नहीं, ये बंद करने से पहले वो कामों को की वजह से अब ये पूरी ट्रैफिक को लेके आके डाइवर्ट कर दिए कंडीगल गेट की तरफ, कम से कम जो रोड पे आपको लेके जाके डाइवर्ट कर रहे हैं वो तो जो ना पूरी एक्सेस तो रखना ना साहब, वो तो क्लियर करना ना, उससे उसके बाद ये बंद करना था, अब उसको तो क्लियर कराओ कम से कम। जो भी आप कैसे, ये भी आप कैसे सर, इन लोगों में नहीं है 100% फिर कैसा देखिए आप, अब एकदम था वहाँ पे जाके देख लीजिए। हैदराबाद पार्लिमानी हलके के इलाके फलकनुमा के पास जहाँ पर बहादुरपुरा चंदनगुट्टे का बॉर्डर है, ये फलकनुमा रेलवे ब्रिज जो इंतहाई नाकाफी है, मौजूदा हालात में इसकी तोसी बेहद ज़रूरी थी, और इसके प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ़ायदे मुखने नाम मजलिस पार्टी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की, और उसकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में काम का आगाज़ हुआ। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मोदम खान साहब बहादुरपुरा MLA और बहादुरपुर के कॉरपोरेटर्स चंद्रानगुट्टे कॉरपोरेटर्स इस ब्रिज के काम का मुआयना कर रहे हैं। सदर साहब की हिदायत है कि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ शिकायतें हैं
तो ऑफिसरों से बात करो, शिकायतों को दूर करना चाहिए। बहरहाल काम चल रहा है, ट्रैफिक का डाइवर्शन हुआ है, ट्रैफिक के लोग बंदोबस्त कर रहे हैं और पूरे बैनर शूटिंग लगा के ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। काम यहाँ चंद्रान गुट्टा ब्रिज पे जो बहादुर पे के एरिया से चल रहा है उसको बाजू फारूक नगर से उसके ट्रैफिक को का रुख मोड़ दिया गया है। वो ओरम गड्ढे के तरफ से निकल के वो मेन रोड पे जाएंगे, फिर उधर से पलट के उप्पूगुड़े से जो रोड आ रही है वहाँ पर भी जो सो ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। वहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें मालूम हुआ कि ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है, रुख ट्रैफिक का रुख तो मोड़ दिया गया है लेकिन जिस तरीके से रोड फराहम करना था इंक्रोचमेंट को कम से कम टेम्पररी हटा के ये काम की तकमील तक नाजायज़ कब्ज़ों को हटाए ताकि आमदरफ में ट्रैफिक को रुख सहूलत हो सके। कंदिकल गेट रोड पे वहाँ पर भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ भी काम का मुशाहिदा करेंगे, वहाँ से तफसीली रिपोर्ट आपको देंगे। बहरहाल सर साहब की कोशिश ये है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए। ज़िले में कायदे मुकन्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कई सालों से कोशिश कर करके अब ये काम को मंजूर कराया और इसका काम का आगाज़ भी हुआ। इंशाल्लाह गुत्तेदारों के एग्रीमेंट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि 6 महीने के अंदर यह काम की तकमील होगी और उसके बाद लोगों को यहाँ पर इससे इस्तेफादे का मौका मिलेगा। लेकिन जंगी खतूत पर अगर रफ्तार रहे काम की तो यकीनन 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है, करना भी चाहिए।